समाज के आरक्षण की मांग की एवं इसके लिए कई दफा आंदोलन किए। हिंदुओं को अपनी बात चाची काकी को लेकर के आते थे और उसके बाद आंदोलन के दौरान वो हमेशा यहाँ आते रहे, यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते रहे, आप सबसे लगातार मिलते रहे, आपसे संपर्क बनाते रहे, पूर्वज सब यहीं पर हैं और हमें देखते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। विशेष हमारी आत्मीयता है यहाँ हमारे पूर्वजों का घर में। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कर्नल बैसरा ने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने राजस्थान की सरकार और भाई धर्मेंद्र राठौड़ जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, आने वाले हैं, उन सबका स्वागत करेंगे। पानी की व्यवस्था संभाली, आप जोरदार ताली की तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथ में स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रशासन वाली एक मैम आई, उनका नाम मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। वो आए, मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गए, किस कारण पकड़ के खींच के ले गए? ये समाज की जाजम है और यहाँ लोग सचिन जी पायलट के नारे लगा रहे हैं। ये समाज की जाजम है, ये गुर्जर समाज की जाजम है। सचिन पायलट हमारे समाज के सिरमौर है, वह भी हमारे समाज के सिरताज है। एक गुर्जर सभा में गुर्जर बेटे के नारे लगना कतई ही गलत नहीं है। कुल के लोग नारे लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और मैं सबसे कहना चाहूंगी, इस समाज में इतनी महिलाओं के अंदर, हजारों भीड़ के अंदर आपको एकमात्र महिला मैं ही नजर आ रही होगी। क्या ये इनको शोभा देता है कि प्रशासन समाज की बेटी को घसीट के बाहर निकालता है और ये आप लोग स्टेज पे बैठी हैं? गलत है नहीं ये? बताओ आप, पकड़ के मुझे घसीट के ले गया बाहर, जबकि मेरा कोई रोल ही नहीं है। मैं अपने लोगों को शांत करवा रही थी कि अपने कर्नल बाबा का बैसला का प्रोग्राम है, आप शांति बनाए रखें। वो आती है मुझे पकड़ के ले जाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी दिमाग की गलतफहमी बाहर निकाल लीजिएगा। आपने पकड़ा कि आप मुझे बंद करके बताओ, फिर देखना राजस्थान में समाज की बेटी क्या होती है। ठीक है, हमने भी अपने कर्मों से हमारी पहचान बनाई है। इस तरीके से बेइज्जती करने का, इस तरीके से अपमान करने का प्रशासन को हक नहीं है। और जो लोग आए हैं अतिथि, उनका सम्मान करो। एक मिनट, एक वीडियो मार। गुर्जर एक जात नहीं है, एक संस्कृति है और उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसको करो धर्म को पालन। युद्ध बंदी तक बनाया गया परंतु पाकिस्तान सेना भी उनके मजबूत इरादों को डिगा नहीं सकी। कहना चाहता था चुपचाप रहिए, देखो पूरा समाज आया था भाई साहब और बहुत लोग आए, गर्मी बहुत पड़ रही फिर भी लोग बाग आए। और जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, कल रात भर सब लोग यहीं थे और आज भी सब यहीं थे। पूरे 52 घाटों से विसर्जन किया है हमने, अपनी माता जी का भी विसर्जन नहीं किया था हमने भी, आज कर्नल साहब का हमने विसर्जन किया। कर्नल साहब की इतने सालों की 84 साल की यात्रा और ये पिछले 27 दिन की यात्रा का आज सही मायने में सर समाज के साथ समापन हुआ। पुत्र होने के नाते दुख तो है, लेकिन कर्नल साहब की का जो कार्य जो चल रहा था उसको निरंतर आगे बढ़ा के रखना है। जब मैं अभी बैठ करके कर्नल, वो जो पोथियों में लिखा हुआ है अगर आप देखो उनको, तो कर्नल साहब अमूमन हर साल पुष्कर आते थे, आप देख लीजिएगा अभी कागजों में, और हर बार वो लिखते थे कि ए पुष्कर दे, पुष्कर राज मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने समाज के लिए और कुछ कर सकूं और थोड़े साल जी सकूं। अब 2 मार्च को कर्नल साहब ने मुझे अध्यक्ष समाज ने बैठ करके बनाया, तो आज मुझे समझ में आता है कि वैसे क्यों लिखा करते थे। जो कार्य कर्नल साहब का है हम सब आगे लेके चलेंगे, पूरा समाज आगे लेके चलेगा। सामाजिक तौर से जैसे मैंने कहा कि अभी राम प्यारी कलेक्टर बनी नहीं है, कर्नल साहब का पहला सपना था, वो भी बनेगी। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आज मैंने मन से भी कहा कि अगर 10 नौकरियां होती हैं
और 1000 लोग अप्लाई करते हैं, 10 की नौकरी लगती है, तो 990 लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई प्लान भी हमने कभी प्लान ही नहीं किया। तो आज मैंने अनाउंस भी किया कि कर्नल बेंसला फाउंडेशन, जिसके कर्नल साहब ट्रस्टी थे, उसके तौर से हम लोग प्लान बी का ट्रेनिंग देंगे, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, लंबी चौड़ी नहीं, थोड़ी सी छोटी सी, जिससे महीने भर के अंदर में कोई भी 8वीं पास बच्चा भी कम से कम महीने के 5000 से 15000 रुपए कमा सकेगा। देखो, जिस आदमी के पास, बच्चे के पास पैसे नहीं आते ना साहब, उनके लिए 5000 रुपए भी बहुत होते हैं, और गांव के परिवेश में, और जो नथिंग कम्स फॉर फ्री, मेरे मैनेजमेंट का मैं व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ अगर मैं सब कुछ फ्री में दे दूँगा तो उसका कोई मूल नहीं रहेगा। तो हमने उसको हाईली डिस्काउंटेड प्राइसिंग में 50% to 60% करके हमने समाज को दिया। और आपको मैं ये बताऊँ कि राजस्थान के MBC समाज और पूरे राजस्थान के OBC समाज और पूरे भारत के OBC समाज के बच्चों के लिए और मेंबर्स के लिए ये फैसिलिटी हम देंगे। जितना भी उसका खर्चा आएगा वो सब हम कर्नल बेंसला फाउंडेशन वहन करेगा। इसके अलावा जितनी भी वीरांगनाएं, जितने भी शहीद परिवार हैं, और मैं शहीद का मतलब 73 शहीदों से नहीं बात कर रहा, पूरे भारत में जितने भी फौज में, नेवी में, CRPF में, कहीं पर भी जो भी शहीद हुआ हो, वो उस शहीद के परिवार को ये ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है, और ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग फैसिलिटी बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। इसका पूरा खर्चा कर्नल बेंसला फाउंडेशन वहन करेगा। ये आज कर्नल साहब के जन्मदिवस पर हमने ये बड़ा फैसला लिया है। कितना बड़ा जाएगा ये मैं कल रिलीज़ कर दूंगा, आज तो हम थके हुए हैं, कल रिलीज़ कर दूंगा मैं, सोच तो देखते हैं। मैं ये केवल ये चाहता हूँ कि जो बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं लग पाता और जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बिजनेस कर ले, उसको भी तो कोई ठौर ठिकाना चाहिए। वो तो हो नहीं सकता कि जो सरकारी नौकर है वही माशाअल्लाह है, बाकी लोग कुछ नहीं। मैं उस बात पर विश्वास नहीं करता। आज मन से मैंने दो ही मैसेज दिए हैं समाज ने, पूरे नहीं, पूरे समाज ने। देखो, समाज ने तो बहुत सारी मैसेजेस दिए हैं। समाज ने एक छोटी सी एक मैसेज सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये दी है कि समाज जब सारा का सारा समाज एक जाजम पे आता है तो सब इकट्ठे हैं MBC समाज के, ये एक बहुत बड़ी मैसेज है। लोग बाग तो आप मानिए बालोतरा से बस में लोग भर के आए हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मैसेज है। 37% MLA अगर आपके वोट से बनते हैं MBC समाज से, जो कि 75 सीटों में काबिज करती है 200 में से, 37% रिजल्ट, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, संगठनों में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हम भीड़ तंत्र के आदमी नहीं हैं साहब, हमारे में भी दिमाग है। प्लीज़ यूटिलाइज अस एंड प्लीज़ हेल्प अस यूटिलाइज एवरीथिंग, क्योंकि हम भी देखो, जब कोई भी कहता है कि हम राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई हम भी तो राजस्थान के अंग हैं, और अगर हम 75 विधानसभाएं काबिज करते हैं तो हम काफ़ी बड़े अंग हैं। अगर आपको हम दिखाई नहीं देते तो चश्मे बदलने का समय आ गया है, और अगर उसमें भी दिक्कत है तो फिर नेत्र रूपांतरण हम कर देंगे। देखो, ये क्या है कि इंसिडेंट्स होते हैं, ये इन्फ्रैक्शंस हैं, ये कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं है। अगर आप देखें तो जो इंसिडेंट हुआ वो एक कोने में बैठे हुए कुछ लोगों का था, बाकी लोग तो बैठे थे ना। अब भाई जिन्होंने जूते फेंके, 2-4 जूते हमारे पास पड़े, आके ले जाना, उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। कार्रवाई होगी सर? मैं क्या, आई एम नॉट द गाय। मैं तो ऐसा नहीं लगा बीजेपी कांग्रेस में बढ़ गई? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी नहीं, आराम से सुना गया कांग्रेस के जो आए, बात वो नहीं है। नाराजगी केवल सचिन पायलट को लेकर लोगों में थी? देखो, सचिन पायलट की लोकर के लोगों को नाराजगी थी, सचिन पायलट नहीं आ भी पाए इसकी भी नाराजगी थी लोगों में, काफ़ी लोगों में नाराजगी थी कि वो कह रहे थे कि सचिन पायलट क्यों नहीं आ पाए। व्यस्त रहे, लेकिन क्या है कि उनकी व्यस्तता सबको नहीं दिख रही थी। जिन जिनको दिखी वो तो समझ गए, जिनको नहीं दिखी वो तो परेशान हो, क्योंकि क्या है ना, हम इसको पॉलिटिकल तरीके से ना देखें। ये कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, हमने इसमें कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तो बात नहीं करी थी। अगर आप ये देखें, जहाँ पर सब लोग बैठे थे वहाँ पर दोनों पार्टियों के लोग बगल बगल बैठे थे, उनमें तो मुक्केबाजी नहीं हो रही थी ना। ये परसेप्शन की बात है, कुछ लोग, किसी की कोई ग्रीवियंस रही होगी भाई, अगर 100 लोगों की ग्रीवियंस रही होगी और हल्ला करते हैं तो आवाज़ तो होती ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो चलते रहते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है तो चलते, विद बुकेज यू विल ऑलवेज गेट ब्रिक बैट्स। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कुर्ता हरदम सफ़ेद क्लब के साथ चमकता रहे, कभी ना कहीं भी बैठोगे कहीं ना कहीं तो सॉइल होगा, कहीं ना कहीं तो दाग लगेगा, उसके बाद धोइए उसको, ठीक करिए। मेरा तो एक ही निवेदन है सारी चीज़ों से,
कि समाज के जितने भी नेता हैं, जितने भी MBC समाज के खास करके जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबको मेरी एक ही हिदायत है, समाज की बेहतरी के लिए कार्य करें, समाज के लिए खड़ा होना शुरू करें। काफ़ी हद तक मैंने देखा है जब मौके की बातें आती हैं, जहां पर एक स्टैंड लेने की बात आती है, तो वहां पर मुझे कम दिखते हैं, और शायद इसी बात की खलल मची है लोगों में, मुझे तो ऐसा लगता है। सो इट इज़ हाई टाइम जो जीतते हैं वो समाज के उत्थान में भी काम करें। बिल्कुल, आप मुझे बताओ, अगर आप सपोज आप राजपूत हो और राजपूत है ना अशोक जी, और राजपूतों के वोट लेकर के एक आदमी अमुक जीत जाता है और वो राजपूतों के काम नहीं करे, तो आपको तो लगेगा ना आई बीन चीटेड है। एक बात बताओ, वोट इज़ जस्ट लाइक मनी। क्या आप कभी एक दुकान में जा करके वो कमीज खरीदोगे जिसकी एक बांह कम हो, आप दो पूरे पैसे, दो फुल बांह के, और वो आपको एक बांह कम दे दे, या बोले आधी तो मेरी सफ़ेद ले ले, आधी काली ले ले, आपको चाहिए पीले रंग की वो दे काली, और नहीं चलता। इट इज़ अ वोटिंग सिचुएशन इज़ अ ट्रांजैक्शन which has to be equal from both. It is, if you ask me honestly, it's more like a contract. The voter gets into a contract with the person he's voting. His expectation is that when he requires him, he should stand. If the guy is not standing, then emotionally, mentally, and ethically, it's a void contract. And when there is a void contract, things will happen. लोग कोर्ट में जाते हैं। मजबूर करेंगे आप सबको, तो जीतेगा। भाई सीधी बात है, समाज ने तो कह दिया ना कि भाई साहब आपने 4 साल अगर किसी ने खड़ा नहीं, समाज के लिए बात नहीं करी, 1 साल है करना शुरू करो भाई। और ये केवल 2-4-5 लोगों की नहीं है, पूरे समाज की बात है। आप अभी देखिए कि जब हम आंदोलन करते हैं तो चलो सत्ता वाले तो आते नहीं, जो लोग हार गए वो भी नहीं आते, वो कहाँ चले गए, वो कौन से बिल में चले गए, उनको भी तो निकलना है। और फिर वो इलेक्शन टाइम में फिर आज मैं गुजर, भैया आप गुजर हैं, हम भी गुजर हैं, आप गुजर हो लेकिन दिखते नहीं हो, तो जो गुजर दिख रहा है उसको हम लेके चलेंगे, ये फैक्ट है। थिंग्स हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज। MBC कम्युनिटी उस आदमी के साथ जाएगी जो MBC कम्युनिटी के साथ सदैव खड़ा रहेगा, ये फैक्ट है, आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए इसको।